हेलो गाइस, आज हम सीखते हैं घनत्व के बारे में। घनत्व किसे कहते हैं, घनत्व क्या होता है, कोई वस्तु क्यों डूबती है, क्यों तैरती है, इसके बारे में आज हम प्रैक्टिकल तौर पे भी समझेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो परिभाषा क्या होती है घनत्व की, घनत्व जिसे डेंसिटी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, घनत्व क्या होता है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। उसके इकाई आयतन के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि किसके अंदर घनत्व ज्यादा है, किसके अंदर घनत्व कम है, और वो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर, उसके अंदर कितना द्रव्यमान नियत है। जैसे इसे ऐसे समझ सकते हैं हम, ये हमें 1 मीटर क्यूब का, ये भी 1 मीटर क्यूब का हमें इस तरह से दे रखा है, और इसके अंदर अगर द्रव्यमानों की संख्या पता हो तो हम घनत्व का पता कर सकते हैं। इसके अंदर कम द्रव्यमानों की संख्या है, इसका मतलब इसका घनत्व कम है। इसके अंदर ज्यादा द्रव्यमानों की संख्या है, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, घनत्व भी ज्यादा होता है, ठीक है। किसी भी वस्तु का तैरना और डूबने का जो फंडा होता है वो घनत्व पर ही निर्भर करता है। जिसके अंदर घनत्व कम होता है वस्तु तैरती है, तथा जिसका घनत्व ज्यादा होता है वस्तु डूब जाती है। तो डूबने और तैरने का फंडा ये हमारे घनत्व पर निर्भर करता है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन को बताता है, वो कितना घना है या हल्का है। जैसे आप इसको भी देखते हो, ये आपको हल्का है और ये क्या है, थोड़ा ज्यादा घना है, इसका मतलब इसका घनत्व ज्यादा है। घनत्व इसी चीज के बारे में आपको बताता है। और घनत्व का जो सूत्र क्या होता है, इसका फॉर्मूला की बात करें तो घनत्व को रो या डी से दर्शाया जाता है। ये रो या डी आपका घनत्व है, तो इसका सूत्र होता है m/v। m आपका है द्रव्यमान और v है आपका आयतन। जब किसी पदार्थ का आप द्रव्यमान और आयतन को बटों में रखते हो या अनुपात करते हो या अनुपात निकालते हो आप, तो आपका घनत्व आ जाता है। और घनत्व का जो मात्रक होता है वो हमारा किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, क्योंकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है। तो इसके आधार पर हम घनत्व का भी मात्रक निकाल सकते हैं। तो आज हम प्रैक्टिकल तौर पे जो देखेंगे उसके अंदर हम पानी और अंडे की बात करें, तो पानी का जो घनत्व होता है 997 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, और अंडे के घनत्व की बात करें 1027 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है। इसका मतलब पानी का घनत्व है कम और अंडे का घनत्व है ज़्यादा। अंडे का घनत्व ज़्यादा है, इसका मतलब है अंडा पानी के अंदर डूब जाएगा, क्योंकि पानी का घनत्व है कम और अंडे का घनत्व है ज़्यादा। हम प्रैक्टिकल तौर पे क्या करेंगे, इसके अंदर पानी का घनत्व को बढ़ा देंगे। जैसे ही पानी का घनत्व अंडे के घनत्व से ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, अंडा तैरने लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। इस घनत्व के प्रैक्टिकल करने के लिए हमें सिंपली 2 गिलास पानी की जरूरत पड़ेगी और 2 अंडे की जरूरत पड़ेगी और नमक की जरूरत पड़ेगी, और नमक का प्रयोग हम डेंसिटी बढ़ाने के लिए करेंगे, घनत्व को बढ़ाने के लिए करेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मली हम क्या करेंगे, 1 अंडे को किसी 1 गिलास के अंदर डाल देंगे। तो हम क्या बोला तूने, हम देखेंगे कि ये जो अंडा है वो हमारा डूब चुका है, ठीक है। ये डूब क्यों गया है, क्योंकि इसका अंडे का जो घनत्व है वो अधिक है और जो पानी का जो घनत्व है वो कम है, इसलिए अंडा क्या हो चुका है, डूब चुका है, क्योंकि अंडे का घनत्व ज्यादा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दूसरे ग्लास में क्या करेंगे, जैसे ही इस अंडे को इस ग्लास में डालेंगे तो ये अंडा भी डूब जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, इसकी डेंसिटी को बढ़ाना है। तो डेंसिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम नमक डाल देते हैं। तो इसके अंदर हम जब नमक डालते हैं तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। और आपको ये ध्यान रखना है इसमें नमक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी डेंसिटी इसके अच्छे से बढ़ जाए, और इसे आपको अच्छे से हिला लेना है।
तो ये नमक हमारा इसमें पूरी तरह से घुस चुका है। मैं नहीं मानता। जैसे ही अंडे को इसके अंदर डालते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये डूबता है या तैरता है। तो ये अंडा तैर रहा है। क्योंकि इसकी डेंसिटी हमने नमक डाल के बढ़ा दिए। और इसको आप अच्छे देखने के लिए मैं थोड़ा ज़ूम कर देता हूँ, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं। रुको जरा, सबर करो। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।